नमस्कार दोस्तों, मार्केटिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट का डिस्कशन करेंगे जिसे हम कहते हैं मार्केटिंग ओरिएंटेशंस। और ये अलग अलग मार्केटिंग ओरिएंटेशंस कंपनीज फॉलो करती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस इनको फॉलो करती हैं अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए। चले शुरू करें। सबसे पहला मार्केटिंग ओरिएंटेशन या जिसे हम कहते हैं सबसे पहला ओरिएंटेशन जो है उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन ओरिएंटेशन। जी हां, प्रोडक्शन ओरिएंटेशन। ये प्रोडक्शन ओरिएंटेशन क्या होता है इसे हम थोड़ी गहराई में थोड़े डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। प्रोडक्शन ओरिएंटेशन होता है जब कंपनीज प्रोडक्शन पे फोकस करती हैं, जब अपनी प्रोडक्शन की क्षमता बढ़ाती हैं, उनकी एफिशिएंसीज बढ़ाती हैं। उनका प्राइम लॉजिक इसके पीछे, उनका जो उद्देश्य होता है वो ये समझते हैं कि जो प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल हो, अफोर्डेबल हो, लोग उसे पसंद करेंगे और लोग उसे खरीदेंगे। तो उनका पूरा फोकस, पूरा एम्फोसिस गोज इनटू स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोडक्शन सिस्टम्स, मेकिंग द प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, जिससे उनके कॉस्ट डिक्रीज हो और प्रोडक्ट ज्यादा अफोर्डेबल हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, चाइना इस चीज का बहुत ही ज्यादा लाभ उठाता है क्योंकि उनके पास चीप लेबर अवेलेबल है। एंड इसी पॉइंट को वो लेवरेज करके, इसी पॉइंट का फायदा उठाकर, आपने देखा होगा लेजेंड कंप्यूटर्स जो कि लेनोवो जैसे ब्रांड को ओन करती है, वो आज विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, राइट? हुआवी, ओके? जो हम देखते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स और वायरलेस इक्विपमेंट बनाती है, वो भी आज विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और वायरलेस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के तौर पर उभर के आई है, क्योंकि उनका स्केल ऑफ प्रोडक्शन इतना लार्ज हो चुका है एंड वो अपने प्रोडक्ट्स को इतने इजीली अवेलेबल करा सकते हैं और अफोर्डेबल दामों पर। इस वजह से ये जो कंपनीज के एग्जाम्पल्स मैंने दिए, लेजेंड कंप्यूटर्स और हुआवी, ये सारे बहुत ही बड़े और लार्ज स्केल कंपनीज के तौर पे आज विश्व में अपने आप को स्थापित कर चुकी है। और इनका जो ओरिएंटेशन है ये प्रोडक्शन ओरिएंटेशन है, ओके? चलते हैं दूसरे ओरिएंटेशन पे। दूसरा ओरिएंटेशन है प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। जी हां, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। ये प्रोडक्ट ओरिएंटेशन क्या है? यहां कंपनी का जो पूरा फोकस है, पूरा एम्फोसिस है, वो अपने प्रोडक्ट की कैपेबिलिटीज, प्रोडक्ट की फीचर्स को एनहांस करना चाहते हैं। वो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन बनाना चाहते हैं कि कोई भी उनका कॉम्पिटिटर ऐसा प्रोडक्ट इतने जबरदस्त फीचर्स के साथ, इतने जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ दे ही नहीं सकता। तो जब प्रोडक्ट ओरिएंटेशन आती है तो यहां पूरा एम्फोसिस आता है जबरदस्त प्रोडक्ट्स बनाने पर। हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं, ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाएं जिनका कोई मुकाबला ना हो। और उनका यह मानना होता है कि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी, मेरे प्रोडक्ट का डिजाइन, मेरे प्रोडक्ट के फीचर्स और मेरे प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस कस्टमर्स को खींच लाएगा। दैट इज व्हाट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा है आपका सेल्स ओरिएंटेशन। जी हां, तीसरा पॉइंट है सेल्स ओरिएंटेशन। इस सेल्स ओरिएंटेशन में क्या होता है? जब कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस ये मानती हैं कि अगर हम कस्टमर्स को अकेला छोड़ दें, इफ वी लीव देम अलोन दे विल नॉट कम टू बाय, ओके? आई रिपीट, इफ द कस्टमर इज लेफ्ट अलोन ही विल नॉट कम टू बाय। इसका मतलब कंपनीज को हमेशा
एक इंटरवेंशन करना पड़ता है, कंपनीज को हमेशा एक कम्युनिकेशन करना पड़ता है अपने कस्टमर्स के साथ, उनको बार बार ये बताना पड़ता है क्यों उनका प्रोडक्ट खरीदा जाए और ये प्रोडक्ट उनका जो है वो कस्टमर्स को किस तरह से फायदा पहुंचाएगा। और ये जो ओरिएंटेशन जिसे हम सेलिंग ओरिएंटेशन कहते हैं, ये ज्यादातर उन कंपनीज को या उन प्रोडक्ट्स को फेवर करती हैं या वो कंपनीज इस ओरिएंटेशन को फॉलो करती हैं जिन प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स खुद से खरीदना पसंद नहीं करते, राइट? फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, कस्टमर खुद ये कभी नहीं चाहता कि मैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदूं, उसे ये बार बार बताना पड़ता है, उसे बार बार इस चीज का एहसास दिलाना पड़ता है कि इंश्योरेंस उनके लिए जरूरी है, इंश्योरेंस उनके लिए बहुत ही मायने रखता है, ये उनके फ्यूचर को सिक्योर करता है। तो ये जो इंटरवेंशन है, ये बार बार जो कस्टमर को बताना पड़ता है कि उन्हें इस चीज की जरूरत है, उन्हें इसे खरीदना चाहिए, इस ओरिएंटेशन को हम कहते हैं सेलिंग ओरिएंटेशन। ठीक है, अब आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पर। चौथा पॉइंट है मार्केटिंग ओरिएंटेशन। ओके, ये शुरू हुआ था मार्केटिंग ओरिएंटेशन समवेयर अराउंड 1950s में, जब ये एहसास हुआ कि हमें नीड बेस्ड, कस्टमर नीड बेस्ड काम करना चाहिए और एंड रिजल्ट कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करना होना चाहिए। दैट इज टू से वी नीड टू डिलीवर वैल्यू टू द कस्टमर। अगर कस्टमर को हम वैल्यू डिलीवर करें, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को वैल्यूएबल फील करे और उसे लगे कि हम उनके जीवन में कुछ वैल्यू पहुंचा रहे हैं, तो कस्टमर उस चीज को खरीदेगा। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे डेल ने कंप्यूटर्स बेचा नहीं, उसने कंप्यूटर्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां कस्टमर खुद आ सकता है और अपने जरूरत के हिसाब से अपना एक कॉन्फ़िगरेशन तय कर अपना कंप्यूटर खुद बिल्ड करके ऑर्डर कर सकता है। यहां लॉजिक क्या था कि हम कस्टमर की नीड को अप्रिशिएट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं और उसके नीड के अनुसार उसे प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं। ओके, तो यहां समझिए मार्केटिंग ओरिएंटेशन में पूरा फोकस ये होता है कि कस्टमर की नीड को समझो, कस्टमर को उसके नीड के अनुसार प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बना कर दो, पहुंचा दो एंड कस्टमर के लाइफ में और कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करो। तो इस तरह से क्या होता है कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन एंड डिलाइट बढ़ता है। ये होता है हमारा मार्केटिंग ओरिएंटेशन। टू जस्ट सम अप, व्हाट वर द फोर मार्केटिंग ओरिएंटेशंस वी हैव डिस्कस्ड, नंबर वन वाज प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, नंबर टू वाज प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, नंबर थ्री वाज सेलिंग ओरिएंटेशन, नंबर फोर इज मार्केटिंग ओरिएंटेशन। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। ऑडियो जंगल